तारीख 19 मार्च 2024, दिन मंगलवार। समय शाम के करीब 8 बजे। स्थान सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मंडी चौक। यहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एकाएक प्लम्बरिंग का काम करने वाले विनोद ठेकेदार के घर से चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था विनोद के घर में? दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाली घटना बीते मंगलवार को घटित हुई। वारदात को अंजाम देने वाले थे साजिद और जावेद। बताया जाता है कि साजिद और जावेद दोनों सगे भाई हैं और वो विनोद प्लम्बर के घर 5,000 रुपए उधार मांगने आए थे। घर पर विनोद मौजूद नहीं था। विनोद की माँ घर पर मौजूद थी और उनके साथ मौजूद थे 3 बच्चे। जब साजिद ने दादी से पैसे मांगे तो दादी ने बच्चों की माँ को बताया और फिर उन्होंने अपने पति विनोद से फोन कर उधार देने से पूछा। इस बीच साजिद ऊपर पार्लर में इंतजार करने की बात कहकर गया। जावेद नीचे ही खड़ा रहा। इस दौरान पहला बच्चा पानी लेकर गया तो साजिद ने उसकी हत्या कर दी और जब दूसरा बच्चा चाय लेकर गया तो उसकी भी पार्लर में हत्या कर दी। लेकिन जब तीसरा बच्चा ऊपर पहुंचा तो साजिद ने उसके ऊपर हमला किया। हालांकि वो जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद चीख पुकार मची तो साजिद मौके से भाग गया। हालांकि गली में लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। वहीं वारदात के कुछ घंटों बाद पुलिस को जानकारी मिली कि साजिद पास के जंगलों में छुपा हुआ है, तो पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान साजिद ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी फायरिंग में साजिद ढेर हो गया। FIR में जावेद को भी आरोपी बनाया गया है। जावेद की तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। उसके करीबियों के घर पर दबिश दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने अभी हत्या की वजहों का खुलासा नहीं किया है। दरअसल साजिद पड़ोस में ही बाल काटने की दुकान चलाता था। बच्चों की माँ यानी विनोद की पत्नी का पार्लर था जो अपने घर के ऊपर चलाया करती थी। छुटपुट विवाद पहले से बताया जा रहा है। बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंडी चौक से मुश्किल से 100 से 150 कदम की दूरी पर एक नाई की दुकान है। वहीं पास में मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर विनोद का घर है। विनोद प्लम्बरिंग का काम करते हैं और वो घर से बाहर गए हुए थे।